let's learn. Today we are going to study SST of class 7, chapter 1, environment. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या होता है, एक रवि नाम का लड़का लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा था। तो वहाँ पे उसने देखा कि स्कूल के पास वाला मैदान में खुदाई चल रही थी। तो आसपास के लोगों ने बताया कि वहाँ पे खुदाई हो रही है और वहाँ पे एक बहुत सारे फ्लैट वाली बिल्डिंग बनने वाली है। तो रवि को बहुत दुख हुआ क्योंकि उन बच्चों के पास एक ही मैदान था खेलने के लिए उनके घर के पास। तो उसको बहुत, उसके आंख में आंसू आ गए क्योंकि अब मुलायम घास और तितलियां और गेंदे के फूल अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुके हैं। वो जो मैदान है वो हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। तो जब रवि बहुत दुखी हुआ तो उसने ये बात अपने जाके क्लासमेट्स को बताई। उसके बाद असेंबली में प्रिंसिपल ने भी बोला, देखो हमारा जो एनवायरमेंट है वो कैसे बदल रहा है। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। तो फिर क्लास में जाने के बाद रवि ने अपने टीचर से पूछा, सर एनवायरमेंट क्या है? तो सर ने बोला, जो भी हम आसपास देखते हैं वो एनवायरमेंट है। तो रवि ने बोला, रवि तो अब छोटा बच्चा है आप लोगों की तरह, सेवन स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह। रवि ने बोला कि क्या जो मेरे दोस्त हैं, मेरे डेस्क है, मेरा क्लासरूम, टीचर, मैं, आप, मेरे पेरेंट्स, फ्लावर, पेड़, सब कुछ, नदियाँ, एनवायरमेंट है? तो उसके टीचर ने बोला, हाँ ये सब एनवायरमेंट है, लेकिन जरा रुको, इनमें से कुछ चीजें मैन मेड है यानी कि हम इंसानों ने बनाई है, और कुछ चीजें नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक है। तो इसी सबको मिला के एनवायरमेंट बनता है। फिर उनके टीचर ने उनसे बोला कि दो दो बच्चों की टीम बनाओ, जैसे कि आप और आपके साथ वाली फ्रेंड, दो दो बच्चों की टीम बनाओ और एक लिस्ट बनाओ यानी कि सूची बनाओ कि क्या चीजें मैनमेड है और क्या चीजें नेचुरल है, यानी कि क्या चीजें प्राकृतिक है और क्या चीजें हम इंसानों ने बनाई है। तो उस क्लास में जो 5 बच्चे थे, रवि, परमजीत, मुस्तफा, जस्सी और आशा भी बहुत उत्सुक हो गए सूची बनाने के लिए। तो उन्हीं में से एक बच्चा था इकबाल। इकबाल ने पूछा, सर हमारा एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है? तो सर ने जवाब दिया, यानी कि टीचर ने जवाब दिया कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी जरूरतों के हिसाब से बदल रहा है और हमारी जरूरतें टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसको नष्ट भी कर देते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो मैंने फ्लो चार्ट को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेचुरल क्या क्या होते हैं? एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, लैंड। एयर यानी कि हवा, पानी, लिविंग थिंग्स यानी कि पेड़, जंगल, ये सारी लिविंग थिंग्स, ठीक है। एंड लैंड, लैंड यानी कि हमारी जमीन। ह्यूमन मेड क्या क्या चीजें जो हम इंसानों ने बनाई है? फ्लाईओवर्स, ब्रिज, पार्क, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स और मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यानी कि जैसे कि ताजमहल और ये जो लाल किला, ये इनको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। ह्यूमन एक सिंगल मतलब जो हम इंसान हैं उनको कंप्राइज करता है। इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी यानी कि एक कम्युनिटी बन गई है। रिलीजन जैसे कि सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। एजुकेशनल यानी कि जैसे कि आपके स्कूल्स जहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होके पढ़ते हो। पॉलिटिकल प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे MLAs, प्राइम मिनिस्टर, इनकी मीटिंग्स होती है। एंड इकोनॉमिक जहाँ पे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड बातें होती है और उनसे रिलेटेड फैसले लिए जाते हैं। तो आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से देख लेना, इनमें से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल किसको बिलोंग करता है। अब हमने रवि की स्टोरी तो देख ली पूरी, अब हम देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट भी हमने देख लिया। अब नेचुरल एनवायरनमेंट की लेयर होती है लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो ये चारों लेयर हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, लेकिन हमें यहाँ पे फिर से पढ़नी है। तो सबसे पहले आती है हमारी लिथोस्फेयर। लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है? सॉलिड या फिर हार्ड यानी कि बहुत सख्त टॉप लेयर होती है ये अर्थ की लिथोस्फीयर। इसमें मेड अप ऑफ रॉक्स यानी कि ये पत्थरों की बनी होती है और मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं। तो इसमें लिथोस्फीयर में हमारी रॉक्स मिलती है, खनिज मिलती है। जो हमारी खनिज होती है ना, इनके जो मिनरल्स होते हैं ना, वो रॉक्स में ही कहीं कहीं छुपे होते हैं, वो हमको खोद खोद के
निकालने पड़ते हैं और उसके बाद फिर उनको मेल्ट करके एक पूरा मेटल बनाया जाता है, यानी कि पूरी एक चीज बनाई जाती है एंड कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये एक पतली सी सॉइल की लेयर से कवर्ड होता है। इसमें लिथोस्फेयर जो बहुत है उबड़ खाबड़ होती है, इसमें क्या होता है माउंटेन्स होते हैं, ये रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है लिथोस्फेयर, यानी कि उबड़ खाबड़ होती है, माउंटेन होते हैं, प्लैटियो प्लांट्स होते हैं इसमें, पेड़ पौधे होते हैं, वैलीज होती है, वैली मतलब घाटियां होती है, फॉरेस्ट होते हैं यानी कि जंगल होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, ग्रासलैंड किस लिए होते हैं, ग्रासलैंड जैसे हम अपनी गाय भैंस ये वो करती है ना, क्या खाती है, घास ही तो खाती है, तो ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग को बोलते हैं, ग्रेज करने को बोलते हैं, चरना यानी कि जो वो चारा चारा उनका ग्रास हो गया, और चरना यानी कि ग्रेज करना। हाँ तो बच्चों हमारे नेक्स्ट पॉइंट है लैंड फॉर एग्रीकल्चर। लिथोस्फेयर में ही हमारा लैंड होता है जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, यानी कि गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो लिथोस्फेयर ही हमें लैंड प्रोवाइड करता है, यानी कि जमीन होती है लिथोस्फेयर में जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, हम रहते भी इसी में ही है, लिथोस्फेयर में ही है, जो हमारे घर बने हुए हैं, हमारे स्कूल बने हुए हैं, सारे लिथोस्फेयर में बने हैं। Also called mineral wealth. इसको mineral wealth भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ही minerals हमारे पाए जाते हैं और इसी में से हम minerals को खोद खोद के एक metal बनाते हैं। अगर हिंदी में बोलूं तो mineral wealth का मतलब खनिज संपदा का एक क्षेत्र है, मतलब इसमें सारे हमारे जो minerals है वो लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, इसको हम mineral wealth बोलते हैं या फिर खनिज संपदा। तो ये आ गया हमारा फिर से एक फ्लो चार्ट, जो ऊपर है सबसे ऊपर वायुमंडल, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हमारे एयरप्लेन चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, और एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है जो हमें धूप की किरणों से बचाती है, हमारे पूरे आसपास फैली होती है। उसके बाद है हमारा जैव मंडल यानी कि बायोस्फेयर, इसको इंग्लिश में बायोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद है हमारा जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फेयर, पानी से रिलेटेड हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्फेयर जल मंडल। उसके बाद है हमारा यहाँ पे लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में हम रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, हम रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया लिथोस्फेयर, इसको हम मिनरल वेल्थ भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जैवमंडल, जैवमंडल में है हमारे पर्वत और पहाड़ वगैरह। ओके तो हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर को बोलते हैं वायु मंडल, बायोस्फेयर को बोलते हैं, बायोस्फेयर को बोलते हैं जैव मंडल, जैव मंडल क्योंकि इसमें हमारे पहाड़ पर्वत ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर को बोलते हैं हाइड्रो, मैंने आपको बताया हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल, जलमंडल। उसके बाद आता है हमारा लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर को हम हिंदी में बोलते हैं स्थलमंडल। मैंने आपको पहले बताया लिथोस्फेयर में हम रहते हैं और लिथोस्फेयर को वेल्थ मिनरल भी बोला जाता है यानी कि खनिज संपदा। आइए अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसके आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए जिससे कि पेपर के टाइम पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रही हूँ वो आप लिख लेना साथ साथ। ये होती है थिन लेयर ऑफ, थिन ये होती है थिन लेयर ऑफ, लेयर ऑफ एयर सराउंड्स अस, यानी कि ये एयर हमारे आसपास होती है पूरे एनवायरनमेंट में, यानी कि पूरे पर्यावरण में। ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, थर्ड पॉइंट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। आइए हम इनको समझते हैं।
थिन लेयर ऑफ एयर सराउंड अस, मतलब एक पतली सी एयर की यानी कि हवा की परत होती है जो हमारे आसपास रहती है, उसको हम एटमोस्फेयर बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द एटमोस्फेयर अराउंड अस, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ये मेरे पास चौक है, ये मैंने छोड़ दी, ये नीचे चली गई, तो ये नीचे कैसे गई? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था, क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो इसीलिए हमारी चौक जमीन की तरफ चली गई। ऐसे ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपनी तरफ खींच के रखता है, उसे कहीं जाने नहीं देता उस एयर को, समझ आया? उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें सन की तेज किरणों से बचाता है, यानी कि जो सन की किरणें हैं वो इतनी तेज होती है कि वो हमारी स्किन तक को जला सकती है, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। आइए आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं, है ना क्वेश्चन एटमॉस्फेयर। तो हमारे ये आगे के पॉइंट्स है एटमॉस्फेयर के। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत नंबर ऑफ गैसेस होती हैं। गैसेस मतलब आप समझते हो, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे बहुत सारी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में। डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर मतलब ओस की बूंदे होती है ना, वो होती है वाटर वेपर। चेंज इन एटमोसफेयर ऑल्सो चेंज वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। अगर आपका एटमोसफेयर चेंज होगा तो आपका वेदर, वेदर यानी कि आपका जो कभी, आज मान लो अभी धूप है, उसके बाद रात के टाइम थोड़ी ठंडक हो जाती है, तो हमारा वेदर होता है। वेदर एक दिन के लिए होता है, हमारा वेदर फोरकास्ट कैसा है, आज का वेदर कैसा है। और क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक रहता है मौसम, जैसे कि सर्दियों का मौसम 3-4 महीने तक रहता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर में यही अंतर है, वेदर 1 या 2 दिन के लिए रहता है, यानी कि सुबह का मौसम ठंडा था, रात तक ऐसा, मतलब एक दिन का वेदर सेम 1 दिन का या 2 दिन का। हमारी ये 4 क्लाइमेट होते हैं, और वेदर मैंने आपको बता दिया 1 या 2 दिन के लिए जो मौसम होता है। एक एनसीसी का कैंप चल रहा था रवि के स्कूल में, एक बच्चे का नाम था जेसी, उसने बोला कि डाउनपोर क्या होता है। डाउनपोर मतलब जब बहुत बहुत तेज बारिश होती है, और जैसी जो है वो केरल से बिलोंग करता है या करती है वो स्टूडेंट, तो उसके यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे कोकोनट्स के वो होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, प्लांटेशन वहां पे कोकोनट की होती है, और बहुत अच्छी अच्छी घास होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। और जो हमारा रेन फॉरेस्ट होता है ना, यानी कि बहुत घने जंगल जो होते हैं, वो केरल तमिलनाडु इसी के साइड होते हैं। फिर वही एक लड़का था हीरा, एक स्टूडेंट था हीरा नाम का, उसने बोला, उसने एक सोचा मतलब कि इसके यहाँ पे तो इतनी बारिश होती है, लेकिन मेरे यहाँ पे राजस्थान में तो बारिश नहीं होती। कीकर के पेड़ होते हैं जो गर्मी में उगते, कैक्टस होता है, कैक्टस जो जिसमें कांटे होते हैं, चुप जाते हैं आप टच करते हो तो, और ऊंट मिल जाएंगे, और रेत ही रेत होती है हर जगह, जहां तक अपनी नजरे लेके जाओगे रेत होंगे, सांप होंगे, लिजर्ड होंगी, अलग अलग तरीके के इंसेक्ट होंगे, और ऊंट भी मिल जाएंगे। तो आप ये देख रहे हो, हमारे भारत में ही एक हिस्सा, यानी जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में राजस्थान यहाँ पे होता है और केरला यहाँ पे होता है। तो इंडिया के ही 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मौसम बिल्कुल अलग है, क्लाइमेट और वेदर बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, ऊंट पाए जाते हैं, रेत ही रेत होती है, पानी भी मुश्किल से मिलता है, और केरला में इतने पेड़ होते हैं, घास ही घास होती है हर जगह पे, बहुत ज्यादा पानी, बारिश बहुत ज्यादा होती है इस हिस्से में। महाराष्ट्र में आपने, महाराष्ट्र में 12 मंथ्स रेनी सीजन रहता है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ, और वही अगर हम ऊपर की तरफ देखें जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो आप ये देख रहे हो कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर एक जगह का चेंज है,
तो वहां का क्लाइमेट और वेदर भी बदल जाता है। अब आप इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखो। इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, यानी कि एक ऐसा, हमने एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन, यानी कि इंटरैक्शन मतलब होता है एक दूसरे पे जो निर्भर है, तो यहाँ पे हो गया इंटरैक्शन होती है उनके बीच में, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हर लिविंग बींग के बीच में जो और वो होती है, इंटरैक्शन होती है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, बातें होती है, हम एक दूसरे को देख के लाइक हमारी फीलिंग्स होती है एक दूसरे से, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। एक दूसरे के साथ होती है फिजिकल वर्ल्ड से होती है, यानी कि प्लांट्स एनिमल्स उनसे होती है, केमिकल फैक्टर्स से होती है, ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे ऑल लिव, जिसमें वो लोग सब रहते हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सब जुड़े हुए हैं ट्रांसफर एनर्जी के ट्रांसफर से एंड मटेरियल से और चीजों से, जैसे कि एक चूहा है, चूहे को बिल्ली खा लेती है, बिल्ली को शेर खा लेता है, फिर शेर मर जाता है, वो उसमें मिट्टी में दब जाता है, तो फिर उसका सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है, तो एक इकोसिस्टम बन गया ये हमारा, एक लैंड इकोसिस्टम बन गया। अगर ऐसा ही हम पानी में देखें, जो छोटी मछली है उसको बड़ी मछली खा लेती है, फिर उस वाली मछली को तो और बड़ी मछली खा लेती है, फिर वो मर जाती है, तो पानी में फिर पानी में जो मिट्टी होती है नीचे की तरफ उसमें दब जाती है और मिट्टी को वो मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो फिर पानी के जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, तो फिर एक हमारा वाटर का इकोसिस्टम बन गया। ऐसे कर करके हमारे तीन चार इकोसिस्टम होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रास इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम। वाटर इकोसिस्टम को हम पॉन्ड इकोसिस्टम बोलते हैं। पॉन्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, पॉन्ड एक छोटा सा होता है पानी का, जैसे जो घरों में होता है हमने एक पॉन्ड बनाया हुआ होता है, उसमें थोड़ी सी फिशेज होती है, थोड़े से पत्थर वगैरह डाले होते हैं, लेकिन अगर ओशन भी है उसका भी इकोसिस्टम है तो भी हम उसको पॉन्ड इकोसिस्टम ही बोलते हैं, उसका नाम हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम। अब जो हमारे सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सब हमारे जो आसपास के वो होते हैं ना, सराउंडिंग में एनवायरमेंट होता है उस पर डिपेंड करते हैं, जिसकी हमने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में बात करी थी। तो उसने सोचा कि सारे जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, वो इतने अलग क्यों होते हैं हर जगह के, तो इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे अपनी इमीडिएट मतलब एकदम जो आसपास की सराउंडिंग्स है उस पर डिपेंड करते हैं। अब हमारे फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम आ गए, यानी कि कितने फॉर्म होते हैं इकोसिस्टम के। मैंने आपको बताया पहला, जैसे कि हम बोल सकते हैं पहला लार्ज रेन फॉरेस्ट सिस्टम, ग्रासलैंड, डेजर्ट, उसके बाद माउंटेन, लेक, रिवर, पॉन्ड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको हमने कुछ नाम दे दिए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो प्लांट्स पे डिपेंड करता है, ग्रास इकोसिस्टम यानी कि ग्रास ऑपर है, ग्रास ऑपर को किसी बड़े इंसेक्ट ने खाया, बड़े इंसेक्ट को लिजर्ड ने खा लिया, तो ये हमारा एक ग्रास इकोसिस्टम बन गया। फिर पॉन्ड इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा लास्ट पेज है इस चैप्टर का, पेज नंबर 5, इसमें दिया गया है कि हम ह्यूमंस अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपने जो एनवायरनमेंट है उसको बदल देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। जो पहले के लोग हुआ करते थे वो एनवायरनमेंट में ढल जाते थे, नेचुरल चीजों पे यानी कि प्राकृतिक चीजों पे ज्यादा मतलब अपने आप को निर्भर रखते थे। हम लोगों को क्या है, एसी चाहिए, गर्मी हो रही है एसी चलाना है, लेकिन वो बाहर की खुली हवा में जाते थे, हमें भूख लगती है तो हम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वो लोग फ्रूट्स खाते थे, सब्जियां खाते थे, तो हमने अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से नष्ट कर रहे हैं हम। जैसे जैसे ह्यूमंस ने इवॉल्व किया, यानी कि जैसे जैसे ह्यूमंस की जो एज है वो बढ़ती गई, इवॉल्व होते गए लोग, तो हमारे जो एसी, कूलर इनका निर्माण होता गया और हम अपने एनवायरनमेंट को नष्ट करते चले गए बिना सोचे समझे। तो जैसे कि आप गर्मियों में वाटरमेलन खाते हैं, सर्दियों में पीनट्स खाते हैं यानी कि मूंगफली खाते हैं, तो एक पूरा बैलेंस बना हुआ है। गर्मियों के फल गर्मियों में आते हैं क्योंकि आपको उनकी जरूरत होती है गर्मियों में, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, इनमें वाटर कंटेंट यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से आपकी बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है उसकी ये पूर्ति करते हैं।
समझे आप। और जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू बादाम, ये आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। रवि की क्लास में अब एक लड़की है नूरी नाम की, वो मिजोरम से आई है, वहाँ पे बहुत हरी भरी हरियाली रहती है मिजोरम में। तो रवि को इतना उदास देखकर नूरी ने उससे कहा कि तुम मेरे घर कभी आना जब छुट्टियां पड़ेंगी, अब मेरे शहर में वहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे छुट्टियां मनाने आना। तो अब उनके शिक्षक ने यानी कि टीचर ने अब सब बच्चों को एक होमवर्क दे दिया कि जहाँ पे भी आप छुट्टियां मनाने जाए वहाँ की एक चित्र बना के लाए, लैंडस्केप बनाकर लाए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चन आंसर्स डाल दूंगी बैक एक्सरसाइज के। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।